हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। आज हम एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसे आप देख सकते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जिन्हें यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं डे ट्रेडर के रूप में। आप अगर देखना है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें 3-4 स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी स्ट्रेटजी जो मैं आपको डालूंगा वो आप तक पहुँच पाएँ। तो आज की हमारी स्ट्रेटजी का नाम है टॉप एंड बॉटम रिवर्सल ट्रेडिंग। टॉप और बॉटम रिवर्सल ट्रेडिंग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस है फायदा होने का, बहुत ही रिस्क लेस स्ट्रेटजी है। इसमें आपका रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैक्सिमम डे ट्रेडर्स ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ये तरीका बहुत ही फायदेमंद ट्रेडर्स को होता है। तो चलिए हम इसके की फीचर्स से और यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप एंड बॉटम रिवर्सल आर अमंग द इजीएस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सबसे सरल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो नए नए आए हैं वो जल्दी से इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप सभी लोग समझ जाएंगे इसके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कैसे ढूंढने हैं। तो वीडियो पूरा देखें, बने रहें लास्ट तक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। डे ट्रेडर्स लव यूजिंग देम बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत ही डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं, इसलिए डे ट्रेडर्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो भी प्रॉफिट की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। देखो, एक कहावत है, जो भी नीचे जाता है दोबारा वापस ऊपर आना ही होता है। व्हाट गोज डाउन विल डेफिनेटली कम बैक अप टू सम एक्सटेंट, कुछ समय के बाद। सेम वेन स्टॉक स्टार्ट्स टू सेल, जब किसी स्टॉक में बिकवाली स्टार्ट होती है तो कुछ समय के बाद उसमें फिर खरीदारी भी स्टार्ट होती है कि उसे वापस ऊपर आना ही होता है। इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे इसमें, इसी को हम पहचानेंगे कब बिकवाली शुरू हुई है और कब खरीदारी शुरू हो रही है। उसी पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है। वो पहचानेंगे कैसे, आगे देखते हैं और वीडियो के साथ बने रहिए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड हेज फंड्स हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर लार्ज पोजिशन टू द पब्लिक मार्केट एंड द स्टॉक प्राइस इज टैंकिंग। देखो, मार्केट में प्राइस कब गिरता है, बिकवाली कब आती है। देखो, जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या हेज फंड वाले जो होते हैं अपना लार्ज पोर्शन अपना बेच देते हैं तो अचानक से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, नीचे की तरफ मार्केट चलने लगता है। दूसरा रीज़न क्या है, रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, द स्टॉक शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उन्हें अपने शॉर्ट्स को कवर करना होता है कुछ ही देर बाद। ट्रेडर्स होते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रोक सकते हैं, डे ट्रेडर्स को तुरंत लेकर थोड़ी देर में अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये जो जगह है, दैट इज़ वेयर यू वेट फॉर एन एंट्री, इस जगह पे आपको एंट्री लेनी है। वेन जब से शॉर्ट जो कर रहे हैं अपने शॉर्ट्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक वहाँ से रिवर्स होगा। यहाँ पे उस पॉइंट पे शॉर्ट किया, नीचे आया, यहाँ पे वो खरीदारी शुरू करेंगे तो वो दोबारा खरीदारी के चक्कर में ऊपर जाएगा। इस जगह पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये दो कंडीशंस बन गई जो मार्केट नीचे आता है। सेम अप्लाई होता है टॉप रिवर्सल के लिए, ऊपर जाएगा खरीदारी स्टार्ट होगी और बेचेंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोनों तरफ से मार्केट का ट्रेंड पता ही है, ऊपर नीचे चलता है। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें हैं और इस पैटर्न में क्या क्या देखना है कि ये पैटर्न कब बना है, कब काम का है कि नहीं। सबसे पहला चीज़ है, ईच रिवर्सल स्ट्रेटजी हैज फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नंबर एक, मिनिमम 5 कैंडल स्टिक्स होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जाती हुई या नीचे की तरफ आती हुई। इसका हम भी एग्जाम्पल भी देखेंगे। 5 मिनिमम होना चाहिए, कभी कभी 4 में भी आपका काम चल जाएगा। जब आपको वो अभी जो कंडीशन में बताने जा रहा हूँ वो बनेगी तो 4 में भी काम चला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 पे ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं। सेकेंड, द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज और आउटसाइड ऑफ द बोलिंगर बैंड। अगर आपने बोलिंगर बैंड लगा रखा है तो उसकी बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है उस टाइम, या उसके बिल्कुल बैंड के जो आप पास में ट्रेड कर रहा हो वोलेटिलिटी बैंड के पास में, और यूजली स्टे इनसाइड ऑफ दिस बैंड्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप बोलिंगर बैंड भी लगा लेते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा हाँ ये अपने हाई पे पहुंच चुका है या लो पे पहुंच चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। रिवर्सल बुक कब आएगा वो भी हम देखेंगे, वो भी आगे। या फिर द स्टॉक विल है, उस समय स्टॉक में जो RSI इंडिकेटर है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल कर सकते हैं RSI इंडिकेटर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली बात है इतना तो आपको पता ही होगा RSI इंडिकेटर क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं। तो RSI इंडिकेटर में उस समय उसकी वैल्यू 90 अगर ऊपर गया हुआ है, टॉप रिवर्सल होने वाला तो 90 या 90 ऊपर होनी चाहिए, और नीचे गया हुआ है अगर बॉटम रिवर्सल कर रहे हैं तो 10 या 10 के नीचे होना चाहिए।
20 या 80 भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो भी अब पता चलता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, अब रिवर्सल टॉप या बॉटम रिवर्सल आने वाला है। या वेन द ट्रेंड इज गोइंग टू एंड, जब ट्रेंड जो नीचे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। ख़त्म कैसे होता है, वहाँ पे एक डोजी फॉर्म बनेगी, डोजी कैंडल, स्विंग टॉप, इनडिसीजन जो कैंडल होती हैं उनमें से कोई एक कैंडल बनेगी, उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और उसके बाद जो कन्फर्मेशन कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो भी आगे बताएंगे और कौन कौन से स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो ये 4 कंडीशंस हो गई हैं पहचानने के लिए कि हाँ मेरी ट्रेड आ गई है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है। तो टॉप रिवर्सल का एक हम पैटर्न देखते हैं, पैटर्न क्या होता है ये देखिए। यहाँ पे बुल इन कंट्रोल थे, लगातार कैंडल्स बनी हैं, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, इंडिसिजन कैंडल होती है शूटिंग स्टार, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आ गई। ये है टॉप रिवर्सल का पैटर्न। अब हम देखेंगे बॉटम रिवर्सल का पैटर्न। बॉटम रिवर्सल देखिए, यहाँ पे बियर कंट्रोल में थे, यहाँ पे हैमर डोजी बनी है, ये भी एक इंडिसिजन कैंडल है, और इसके बाद बुल्स में कंट्रोल में आएगा। इस टाइप के पैटर्न बनेंगे। तो ये पैटर्न कैसे बनते हैं मैं आपको लाइव दिखा, मतलब लाइव नहीं, एक मैंने कुछ चार्ट लिए हैं तो उनमें आपको एक टॉप का एक बॉटम का रिवर्सल दिखाता हूँ। ये देखो वोल्टास का 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है मैंने ट्रेडिंग व्यू में। ये देखो कंटिन्यूस कितनी सारी, यहाँ पे पूरा बुल के कंट्रोल में था। ये देखो RSI भी 100 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये देखो बीच वाली एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद देखिए जो रेड कैंडल दोबारा में बनी है। अब यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, आप देखो कितना प्रॉफिट होगा आपको, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि ये टॉप रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। तो एक ही पॉइंट हो गया आपका, टॉप रिवर्सल का लाइव एग्जांपल वोल्टास में हुआ है। आगे अब हम चलते हैं एक और, ये जिंदल स्टील स्टेनलेस का मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। इसमें देखिए ये लगातार 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल बनी है, उसके बाद एक दो हैमर एक बने हैं, इसके बाद देखिए ट्रेंड कहाँ गया है। तो यहाँ पे देखिए RSI भी नीचे आ गया था, लगभग 20 पे आ गया था RSI। तो ये कंडीशन बनती है, ये है बॉटम रिवर्सल, पीछे था टॉप रिवर्सल। तो आपको एंट्री यहाँ लेनी थी, उसमें टॉप पे लेनी थी, जहाँ से इसका इनडिसीजन कैंडल जहाँ बनेगी उसका एक कन्फर्मेशन कैंडल बनने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट की या लॉन्ग की। अगर हम समराइज करें इसे तो लास्ट में हमें पता चलता है, जब स्टॉक में 5 मिनट की चार्ट देखनी है और जब वो कंडीशन मैंने बताई वो बनती हैं तब आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल स्टिक और द लो ऑफ द डे। जो पिछली कैंडल बनी होगी रेड या ग्रीन, टॉप अभी टॉप के लिए रिवर्सल के लिए दोनों अलग अलग कंडीशन हैं, जो भी पिछली कैंडल बनी होगी उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, जो भी आपका चार्ट को चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचनी आती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वहाँ पे आपको प्रॉफिट लगा सकते हो। सेकंड, अगर आप BWAP इंडिकेटर बना लगा चुके हो, BWAP के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं चैनल पे, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो BWAP यहाँ पे प्राइस चल रहा है वहाँ पे लगा सकते हो। और तीसरा है, जब भी स्टॉक 5 मिनट का हाई बना देता है, अगर जब टॉप रिवर्सल में चल रहे हो हाई बन सॉरी जब आपने शॉर्ट किया है और हाई बन जाता है 5 मिनट का, तो वहाँ पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेम यही चीज़ें कंडीशन अप्लाई होती हैं दूसरे ट्रेंड के लिए, बॉटम रिवर्सल के लिए। तो इन दोनों कंडीशन के लिए आपको यही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, सिर्फ कैंडल्स का अंतर है, दोनों तरफ इंडिसिजन कैंडल बनेगी, वहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट आपका टारगेट बता दिए हैं कहाँ कहाँ आप लगाने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छी डे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोमांस विद मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके पास पहुँचा पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।